जय महादेव। स्वागत है आप सबका एक और ज्ञान भरी वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया एक उपाय बताने जा रही हूँ। उपाय उन लोगों के लिए है जो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट है, किसी गंभीर बीमारी ने जो है उनके शरीर को जो है वो पकड़ रखा है, और जो है बहुत दवा खाने के बाद भी उनको जो है उस बीमारी से जो है वो राहत नहीं मिल पा रही है। तो ये उपाय वो लोग अवश्य करें जिससे उन्हें जो है शारीरिक कष्ट से जो है वो मुक्ति मिलेगी। तो उपाय बताने से पहले, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी कथा में बताया कि जिस व्यक्ति को शारीरिक कष्ट रहता हो, कोई ना कोई रोग घेरे रहता हो, बहुत परेशानी में हो, तो उस व्यक्ति के लिए आपको ये उपाय करना है। वो व्यक्ति खुद भी अपने लिए ये उपाय कर सकता है अगर वो करने के योग्य है, नहीं तो अगर कोई और व्यक्ति, जैसे उसे उसके परिवार का कोई अन्य सदस्य उसके हाथ का स्पर्श करवा कर ये उपाय भी कर सकता है। उपाय करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपने जो है माखन लेना है, जिसे हम मक्खन भी बोलते हैं आपने, लेकिन ये जो मक्खन है ये आपने गाय के दूध का ही लेना है, भैंस के दूध का माखन नहीं चाहिए, गाय के दूध का जो है माखन ले लीजिए। उसके बाद इस माखन को जो है उस व्यक्ति का हाथ का स्पर्श करवा कर आपने जो है अपने घर के पास जो शंकर जी का मंदिर हो, जहाँ पर शिवलिंग हो, वहाँ पर आपने जो है उस व्यक्ति के नाम की प्रार्थना करते हुए, उसके शारीरिक कष्ट को दूर करने की प्रार्थना करते हुए इस माखन का जो लेप है वो आपने शिवलिंग पर कर देना है, और शिवलिंग पर लेप करते हुए आपने जो है श्री बिजलेश्वर महादेव का नाम लेना है। बिजलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपने जो है ये लेप करना है। तो ये जो उपाय है ये आप लगातार अगर आप 5 सोमवार भी करेंगे, उस व्यक्ति का हाथ लगवा कर आप जो है उस माखन का लेप अगर करेंगे, तो वो व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे जो है उसका शारीरिक कष्ट दूर होने लगेगा, उसको जो है जो दवाई है उसकी दवा है उसका असर होने लगेगा, उसका कष्ट जो है वो कम होगा, उसको बीमारी से राहत होने लगेगी। तो कुछ लोगों के मन में होता है कि उनके घर के पास बिजलेश्वर महादेव का मंदिर नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी शिवलिंग जहाँ पर हो, जहाँ पर शंकर जी का मंदिर हो, तो वहाँ पर आपने भोलेनाथ का ये नाम लेना है, और ये नाम लेते हुए आपने ये जो उपाय है वो करना है, तो जिससे आपको जो है बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव मिलेगा और उस व्यक्ति को जो है निरोगता मिलेगी। तो ऐसे और भी उपाय जानने के लिए मेरे चैनल से अवश्य जुड़े रहिएगा। कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिएगा। जय महादेव।